सो हेलो गाइस, जासमाना कैंड दर्शा रावल सॉन्ग वी डाउन से मैं, आप मुझे हैटर्स ना समझे, मैं जासमाना कैंड दर्शा रावल का फैन हूँ एंड इसके सॉन्ग्स भी सुनता हूँ। बाकी जो अभी के डेट पे इन दोनों के सॉन्ग्स के व्यूज है वो बहुत ही कम आए एंड इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया। सो लेट्स फॉर वीडियो, चैनल सब्सक्राइब प्लीज़। हेटर्स ना समझे, मैं इन दोनों का बिग फैन हूँ। फर्स्ट बात करें दर्शा रावल की, तो दर्शा रावल की फैन पेज काफ़ी है, आई थिंक आप जानते भी होंगे। एंड ये बॉलीवुड सिंगर्स हैं, यानी कि इंडियन बॉलीवुड सिंगर, जिनके सॉन्ग्स आते ही ट्रेंडिंग पे छा जाते हैं। एंड इसके कई सारे सॉन्ग्स आप लोगों ने सुना होगा। एंड मेरा जो जन्नत वे वो सॉन्ग काफ़ी अमेजिंग लगता है मेरे को, एंड मेरा फेवरेट सॉन्ग भी है। एंड अभी के डेट पे उनका एक न्यू सॉन्ग आया गोरिये, जिसका व्यूज काफ़ी डाउन चल रहा है। किसी और सॉन्ग के कंपेरिजन गोरिये सॉन्ग पे सिर्फ 2 मंथ में 19 मिलियन व्यूज आए, तो बहुत ही काफ़ी व्यू डाउन मुझे लगा। एंड जो दर्शा रावल के फैन पेज है उसके हिसाब से इतना व्यूज आना बहुत ही कम लगा मेरे को। जैसा कि आप देख रहे हो, ओनली ऑन 2 मंथ में 19 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज है। बस जब मैंने सॉन्ग सुना तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, कोई भी मिस्टेक नहीं थी दर्शा रावल की सॉन्ग पे। लेकिन 2 मंथ में 19 मिलियन व्यूज, दर्शा रावल के फैंस के कंपेरिजन बहुत ही कम व्यूज है, सो आपने देखा भी हो। बाकी जो रिलीक्स था उसमें थोड़ा इरिटेट हुआ मैं, क्योंकि इसमें बार बार गोरिये गोरिये बोला जा रहा था। एंड जो डांस स्टेप थी वो काफ़ी अमेजिंग लगी मुझे दर्शा रावल की। बाकी किस वजह से सॉन्ग्स पे व्यूज नहीं आया मुझे नहीं पता, बाकी सॉन्ग्स पे व्यूज डाउन है। अब बात करें जासमाना की, तो जासमाना का नया सॉन्ग जिसपे लगभग से 2 मंथ में 16 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज है। एंड जासमाना का जो इस सॉन्ग का व्यू है वो बहुत ही कम है, क्योंकि जासमाना का लहंगा सॉन्ग जिसपे 1.4 बिलियन व्यूज है, एंड वही सॉन्ग का कंपेरिजन की जाए तो बहुत ही कम व्यूज है। जासमाना के फैंस की अगर बात की जाए तो उनके जब बहुत ही ज़्यादा फैंस है, तो इसके रिलेटेड इस सॉन्ग का जो व्यूज है वो बहुत ही डाउन है। एंड इसका रीज़न भी एक हो सकता है कि जासमाना के हिंदी ऑडियंस भी बहुत ही ज़्यादा उनको फॉलो करती है, एंड जो ना सॉन्ग है उसमें हमको ज़्यादातर यूज़ किया पंजाबी रिलिक्स, तो मुझे ऐसा ही लगता है कि थोड़ा बहुत तो हमको हिंदी में दिखना चाहिए था ये सॉन्ग, तो कुछ जो हिंदी ऑडियंस है वो भी सुन सकती है। एंड यही एक मुझे इस सॉन्ग का कारण लगता है। बाकी इनका प्यार करता सॉन्ग आया वो ट्रेंडिंग लिस्ट पे है, क्योंकि उस सॉन्ग में जो रिलिक्स है वो हमको ज़्यादातर हिंदी लग रही है, एंड मुझे लगता है कि वो सॉन्ग सुपर डुपर हिट होगा। एंड बाकी जासमानक ने इस सॉन्ग पे एड लगवा भी दिया ना सॉन्ग पे, आप समझ सकते हो जासमानक ने कभी अपने सॉन्ग पे एड नहीं लगवाए, बट इस सॉन्ग पे जासमानक ने एड लगवाए हैं, क्योंकि जासमानक को लगता है कि हाँ सही में ये सॉन्ग का वीप डाउन हुआ है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो एंड एड लगा हुआ है, एंड जासमानक को लगता है कि इस सॉन्ग का जो फिप्स है वो काफ़ी कम है, एंड इसी वजह से इन्होंने अपने सॉन्ग पे एड लगवाया। एंड जासमाना कभी अपने सॉन्ग पे एड नहीं लगवाते, बट फर्स्ट टाइम उनको एड लगवाने पड़ रहे हैं। सो मैं फिर से बता दूं कि मैं इन दोनों सिंगर्स का हेटर्स नहीं हूं, मैं इन दोनों का बिगेस्ट फैन हूं। सो इसको आप गलत वीडियो ना समझे, मैंने एक एग्जांपल तौर पे आपको बताया कि व्यूज क्यों डाउन है, क्या हुआ। सो थैंक यू सो मच, एंड चैनल सब्सक्राइब इस तरह के जस के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए।